नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजो। हरदोई के शाहबाद इलाके में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की 13 छात्राएं अचानक से बीमार हो गई, जिन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहबाद लाया गया, जहां पर एक छात्र को मलेरिया निकला है तो वहीं दूसरी छात्रों को इलाज के लिए भर्ती कर उसका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर्स ने बताया कि बुखार की समस्या से ये सभी पीड़ित थी, अभी सभी की स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन सवाल ये है कि एक ही साथ 13 छात्राओं की तबीयत कैसे खराब हो सकती है? क्या यहाँ पर जो खाना दिया जा रहा है वो सही नहीं है? क्या यहाँ का पानी सही नहीं है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो लगातार खड़े हो रहे हैं। शाहबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एम्बुलेंस के माध्यम से एक स्कूल की 13 छात्राओं को बीमारी की अवस्था में इलाज के लिए लाया गया, जिसकी वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हरदोई की, और फिलहाल कुछ की हालत सामान्य है, लेकिन एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिसे मलेरिया है, यानी कि डेंगू मलेरिया हरदोई में भी फैल रहा है, जिसकी वजह से पहला मामला अगर हम देखें तो हमारे सामने हरदोई से ही ये सामने आ रहा है, बालिका विद्यालय से, जहां पर एक छात्रा को मलेरिया की पुष्टि हुई है। फिलहाल डॉक्टर्स की देखरेख में इन सभी का इलाज किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी आसिफ मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? 13 छात्राएं एक ही विद्यालय की अचानक से बीमार हो जाती हैं, जिनमें से एक को मलेरिया बताया जा रहा है, कुछ की हालत खराब है, कुछ की हालत में सामान्य सुधार बताया जा रहा है। जी, बताना चाहूंगा, ये हरदोई जिले के सावात तहसील का पूरा मामला है। यहाँ एक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है, यहाँ के 13 छात्राएं जो अचानक बीमार हो गए थे, जिन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से CSC सहवाद में भर्ती कराया गया था, जो कि एक की हालत गंभीर थी, उसका उपचार चल रहा है, बाकी अन्य जो थे कुछ तो घर चले गए हैं और कुछ जो है वो विद्यालय। आसिफ, देखिए 13 छात्राएं, एक को मलेरिया है, एक की हालत खराब है, लेकिन सवाल ये है कि उन्हें अब बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर से वो ये कह रहे हैं कि उल्टियां भी हुई हैं, उसके बाद बुखार भी आया है, तो एक ही साथ इतनी छात्राओं को इस तरह से तबीयत खराब होना, क्या खाना सही नहीं था या वहाँ जो पानी की सप्लाई है वो सही नहीं है? क्या आपकी बात हो पाई है वहाँ के वार्डन से, क्या कहना है उनका? जी, वार्डन का यही कहना है कि फीवर चल रहा है, वायरल चल रहा है आजकल, इसी के चलते वो उनको जो है बीमार हुए हैं। बिल्कुल, और इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं? डॉक्टर का कहना है कि उल्टी और बुखार जो है आया है उन लोगों को, जितने भी छात्राएं हैं उनको, हालांकि हालत उनकी सबकी सही है, अब एक की हालत गंभीर है जिनका इलाज किया जा रहा है। बिल्कुल आसिफ, इसके अलावा देखिए ये तो हरदोई का मामला हो गया, लेकिन हमने देखा है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में जो छात्राएं रह रही हैं वो आए दिन बीमार पड़ती हैं, इससे पहले भी अलग अलग जगह से इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। क्या वजह है? ठीक से देखरेख नहीं हो पाती है इन छात्राओं की? जी, बताना चाहूंगा, यही अधिकतर है कि कस्तूरबा विद्यालय जो है वहाँ जो है बच्चियों की देखभाल सही से नहीं हो पाती है, इसी के चलते ये अधिकतर हादसे होते रहते हैं। जी, क्या कोई अधिकारी इस पूरे मामले में कुछ बोल रहा है, क्या कहना है उनका? क्या वो जाएंगे इस विद्यालय में, छानबीन की जाएगी, निरीक्षण किया जाएगा कि सभी चीजें ठीक हैं, व्यवस्थित हैं, खाना सही मिल रहा है, पानी की सप्लाई सही हो रही है, इनका खास ध्यान रखा जाता है? जी, सीमो का कहना यही है कि अब वहां जाएंगे, जांच करेंगे और जो भी कुछ होगा तो वो सामने आए। बिल्कुल आसिफ, यहां मैं रोकूंगी। डॉक्टर रिजवान CSC में है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर रिजवान, बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, ये जो पूरा मामला सामने आया है हरदोई के शाहबाद का, जहाँ कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका की विद्यालय की बच्चियां बताई जा रही हैं 13, आपके पास आई थी, क्या हुआ था? ये कल शाम को लगभग 7:45 से 8 बजे के बीच में सरकारी एम्बुलेंस 108 के द्वारा CSC शाहबाद जिला हरदोई में लाई गई थी। जी। इसमें सब जो थे नॉर्मली उनको हल्का फीवर था और एक बच्चे को मलेरिया पॉजिटिव है, हमने सारे बच्चों की मलेरिया की जांच करवाई थी वहां पे, एक बच्चे की मलेरिया की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और बाकी एक बच्ची को पलटी आ रही थी, उनको उचित उपचार देने के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया था। यानी अभी सभी की हालत ठीक है? जी, चलिए, हमारे पास
जब हमने डिस्चार्ज किया तो समय सभी बच्चियों की हालत ठीक थी। चलिए ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आसिफ, आपका भी बहुत शुक्रिया इस खबर को हम तक पहुंचाने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। आगे आपसे अपडेट भी हम लेते रहेंगे। तो हरदोई का एक पूरा मामला है, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की 13 छात्राएं अचानक बीमार होती हैं। फिलहाल डॉक्टर्स के कहना है कि सभी की हालत स्थिर है, ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि 13 छात्राएं अचानक बीमार हो जाती हैं, क्या कोई अधिकारी यहाँ पर निरीक्षण करता है और अगर कोई खामी है तो उस पर कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर बनता है। तो हरदोई की तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, हरदोई का एक पूरा मामला है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी है जहां पर स्कूल में जो छात्राएं हैं वो बीमार हो रही हैं, लेकिन यहां पर फिलहाल तो ये कहा जा रहा है कि जो 13 छात्रा आई थी अस्पताल में उनमें से एक को मलेरिया हुआ है, बाकी सबका टेस्ट किया गया था लेकिन एक को मलेरिया हुआ है जिसको डॉक्टर्स अपने ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं, लेकिन जो बाकी हैं वो ठीक हो गए हैं। और यहाँ के जो वार्डन हैं सुप्रिया, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सुप्रिया जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। सुप्रिया जी, आवाज़ आ रही है मेरी? सुप्रिया जी, आवाज़ आ रही है मेरी? तो इनका फोन कट गया है, हम कोशिश लगातार कर रहे थे इनसे बातचीत करने की। तो ये पूरा मामला हरदोई का, 13 छात्राएं बीमार हुई जिनमें से एक की हालत गंभीर थी, लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि अब वो ठीक है, खतरे से बाहर है। तो यहाँ इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।